प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो आदर हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरव चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। इस पिक्चर का नाम है पंगा। या दोस्तों, ये पिक्चर रिलीज होने वाली है 24 जनवरी अगले साल 2020 में। जैसा इस पिक्चर के ट्रेलर में आपको शुरुआत में देखने को मिलता है कंगना राउत एक शादीशुदा औरत होती है और उनका एक पति होता है, उनका एक बेटा भी होता है 10-12 साल का, और इस तरह होता है उनका पूरा परिवार होता है। और उन्हें नींद में अपने पति को लात मारते हैं क्योंकि वो पहले पुराने कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं, और इसके कारण उन्हें याद बार बार याद दिलाता है उनके सपनों में, उनकी नींदों में। और एक साधारण से एक रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करती है और उनके पति भी रेलवे डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं, और इस तरह चलता है जिंदगी। फिर उनके दिलो दिमाग में ये रहता है कि मैं कबड्डी प्लेयर हूँ और मैं खुद को दूसरे प्लेयरों के पास जो कहीं भी रेलवे स्टेशन में देखती है किसी कबड्डी प्लेयर स्टूडेंट को, किसी बच्चों को, उन्हें जाके कहना चाहती है कि मैं एक प्लेयर हूँ और वो नहीं कह पाती। दरअसल उन्हें एक मौका मिलता है जिंदगी में कि वापस उसी लाइन में जाना और खुद को साबित करना कि वो एक अच्छी कबड्डी प्लेयर है और देश के लिए खेलना चाहती है। इस तरह चलता है। और एक छोटा सा परिवार होता है, उनकी माँ भी होती है, और ट्रेलर काफी अच्छा है और उन्हें जिंदगी में एक मौका मिलता है कि वह वापस वो खुद को साबित कर सके कि वो एक अच्छे कबड्डी प्लेयर है और वो देश के लिए खेलना चाहती है। सर, इतना ही नहीं, दरअसल ये डायरेक्टर, इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है जो है अश्विनी अय्यर तिवारी, जो ये कहना चाहती है कि इंसान को जब वो अपने किसी नाम कमा लेता है, अपनी पहचान बना लेता है, फिर कुछ दिनों के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं, फिर उन्हें वो बदलते समय के अनुसार उन्हें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, फिर वापस वो उसी लाइन में आना चाहते हैं, उस लाइन को छोड़ के, तो लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसी के बेस पर इन्हें नाम इन्हें पंगा रखा है। जबकि हालात से पंगा लेना, हालात से सामना करना, इसलिए इस पिक्चर में काफी अच्छा बताया गया। इस पिक्चर के ट्रेलर में वाकई काफी अच्छा है। देखते हैं जब पिक्चर रिलीज होगा तो किस तरह होगा। इस पिक्चर में जो लीड रोल कर रही है, जो हीरोइन है, जो है कंगना राउत, और इसमें उनके जो हस्बैंड के रोल कर रहे हैं वो जस्सी गिल, जो पंजाबी काफी अच्छे सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, और इनमें इनके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जैसे नेहा गुप्ता जिसमें उनकी माँ की रोल कर रही है, और दूसरे जो सपोर्टिंग एक्टर्स है जो एक कोच की तरह वो है ऋचा चड्ढा, और दूसरे सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी, तो काफी अच्छा एक्टर्स है। और डायरेक्टर ने काफी अच्छी पूरी कोशिश की है, इस ट्रेलर में देखने को मिलता है कि किस तरह उन्हें खुद को प्रेजेंट कर सके, जो हालात जो पहले छोड़ चुके और परिवार के लिए, और वापस उसी लाइन में आना इतना आसान नहीं होता, खुद को बदलना, खुद को उसके काबिल बनाना, काफी अच्छा है। और ये फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया में रिलीज होने वाला है। देखते हैं जब अगले साल अगले महीने 24 जनवरी को जब रिलीज होगी तो तब क्या कर पाएगी थिएटर में और किस तरह अपनी बॉक्स ऑफिस का नाम कमा पाएगी और अच्छा पैसा भी जमा पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरव चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।